भूपेंद्र यादव जी से तालियों के साथ स्वागत करें। बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव पहुँचे। ईएसआईसी हॉस्पिटल पहुँचते ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अस्पताल की डीन सौम्या चक्रवर्ती ने फूल का बुके देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में बने नए आरटीपीसीआर लैब का दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के हर विभाग का भी निरीक्षण करते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश भर में गरीब कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी की योजनाएं चलाते हैं, जिसमें इस समय 3.5 करोड़ श्रमिक हमारे आईपी हैं। बता दें कि अभी ईएसआईसी अस्पताल चालू हो चुका है और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। फिलहाल सभी लोगों को इस अस्पताल से लाभ दिया जा रहा है। इन जो श्रमिक हमारे जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, उसमें एक निश्चित कोटा हम श्रमिकों के बच्चों को भी देते हैं। ये भारत सरकार की अभिनव योजना है। मैं यहाँ के अधिकारियों के, डीन के, मेडिकल कॉलेज के लोगों के साथ भी बातचीत में हूँ। लगातार हमारे डीजी एसआईसी आए हैं, हमारे राज्य के लेबर मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो खुद को प्रोफेशन से भी डॉक्टर हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज हमने चर्चा करके यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और ये शीघ्र ही ये जो भेंट है, यहाँ के हमारे जो सांसद भी हैं रामकृपाल यादव जी, वो भी बहुत सक्रिय रहकर मेरे से मिलते रहे हैं और ये जल्दी ही इस भेंट को एक उद्घाटन कार्यक्रम के द्वारा हम बिहार की जनता को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के गरीबों को और प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी योजना के नाते उनको समर्पित कर रहे हैं।